नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, राजस्थान सरकार में नई नई भूमिकाएं हमारे सामने आ रही है। साथियों, ऐसा जी करता है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल जी और शिक्षा मंत्री दिलावर जी की जय जयकार हो जानी चाहिए, एक जयकारा शिक्षा मंत्री के नाम हो जाए। हम तो भैया शिक्षा से जुड़े हुए जगत के लोग हैं, जो हमारे हित में बात करेगा हम उसके लिए अच्छा जरूर बोलेंगे, जो हमारे हित में काम नहीं करेगा तो हम उस पर जरूर उनसे हम निवेदन भी करेंगे और कहने का हमारा पूरा हक भी है। साथियों, कुछ अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है, जैसे कि हम इन 2-5-10 दिनों में देख रहे हैं, और उम्मीद से कुछ हटकर भी लोगों को तो ये लगा कि शायद रीट नहीं करवाएंगे, छोटी सी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती देकर केवल खुश करने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, आप सबको बता दूं, शिक्षा मंत्री दिलावर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, एकदम स्पष्टीकरण के साथ में बिल्कुल बता दिया है, कहीं कोई किंतु परंतु और सोचने की जरूरत नहीं है। और आप स्पष्ट रूप से एकदम साथियों चमकते हुए अक्षरों के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हो, आप सबके सामने एक एक शब्द क्लियर है कि जनवरी 2025 में हो सकती है रीट की परीक्षा। देखिए, उससे भी सुंदर एक और बात आप सबके समक्ष है, कितनी गजब की बात आप सब देखेंगे, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है पूरी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन होने की संभावना है। हां जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, देखो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभ्यर्थी भर्ती के लिए तैयार रहे, हालांकि इससे पहले विभाग डीपीसी करते हुए रिक्त पदों की समीक्षा कर रही है, कि डीपीसी भी बहुत जरूरी है भैया। इस मौके पर शिक्षकों ने कुल खाली पदों के अनुसार विज्ञप्ति जारी की जा सके तो डीपीसी होगी, तभी तो पदों की पता चलेगा। दिलावर के अनुसार विभाग अगले महीने रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मैं आपको सीधे शब्दों में बात बता दूं, नवंबर के दूसरे सप्ताह में खुशखबरी है। आप दीपावली के पटाखे फोड़ लो, इधर पटाखे फूटेंगे भैया, गजब का कार्यक्रम है। मतलब सीधी सी बात यह है कि मैं इसके माध्यम से यही आप सबको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में और बहुत ही जल्द इसी नवंबर या दिसंबर में आपकी सेकंड ग्रेड भी आएगी, देख लेना। मैं आज आपको इस बोर्ड पे लिख के बता देता हूं, सेकंड ग्रेड भी बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाली है, बहुत जल्द निश्चित रूप से आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता, देख लेना आप। देखो, अब आपके पास में एक तो फर्स्ट ग्रेड, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड पे फोकस कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड पे फोकस करें, जिनका पिछला रीट क्लियर है तो फर्स्ट ग्रेड पे भी साथ में बराबर इस पे भी तैयारी बनाए रखें साथियों, और जिनका रीट क्लियर है वो रीट मेंस पे ध्यान दे, क्योंकि मेंस का कुछ सिलेबस ऐसा है जो फर्स्ट ग्रेड के बिल्कुल सिमिलर है, साइको में कुछ टॉपिक है बिल्कुल है, टीचिंग मेथड में कुछ टॉपिक है, राजस्थान जीके है, काफी सारे टॉपिक है जो मेंस के और यहां पर बिल्कुल सेम है। बाकी आपके इधर वाले तो आप आपके सेकंड पेपर पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखो, एक बार सेकंड पेपर को मजबूत रखो। और साथ में साथियों ये बता दूं, रीट आपकी पहले होगी जनवरी के सेकंड लास्ट 20 जनवरी के पहले पहले दूसरे पखवाड़े के अंदर, मैं आपको बता देता हूं रीट होने जा रही है, यानी 20 जनवरी के आसपास आपकी रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम ये भी तय है। और दिलावर जी के जिस प्रकार संकेत मिल रहे हैं कि वो अप्रैल से पहले पहले 100% करवा देंगे। साथियों, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को लेकर नहीं है, लेकिन अनुमान है जिस प्रकार से विभाग के कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने जैसे संकेत दिया कि जून का या तो अंतिम सप्ताह है या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर हो सकती है, यानी आफ्टर जुलाई के बाद में चांस लग रहे हैं, जुलाई से पहले आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कतई नहीं होने वाला है, तो एग्जाम तो इस प्रकार से होगा। तो प्यारे बच्चों, जो रीट को लेकर कंफ्यूजन में थे कि रीट की शर्म करे ना करे फर्स्ट ग्रेड पे लग जाए, पद कम है, आप उसकी चिंता मत करो, पद पुद चलती रहेगी, कोई बात नहीं है, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट वाला वो संस्कृत वो भी चल रहा है। अब भर्तियां दौर जबरदस्त है, यानी 2025 का पूरा साल भर्तियों का साल है, जिसको लगना है भैया लग जाना, उसके बाद में शिक्षक भर्ती का सपना छोड़ देना आप, कई सालों तक कोई शिक्षक भर्ती का कोई सपना ही नहीं है आपके पास, फिर उसके बाद में मुझे लगता ही नहीं है कि सरकारी भर्ती जल्दी से कभी आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कमर कस लो, लगे रहो। और आप सबको बता दूं प्यारे बच्चों, रीट के लिए जो तो गंभीर है, फर्स्ट ग्रेड को लेकर गंभीर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन में जाओ,
कोर्स को विजिट करो, बुक्स वगैरह सब वहां फ्री दे रखी है। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, कोर्स ज्वाइन करो साथियों, निहाल हो जाओगे। कंटेंट ऐसा चुन चुन के एनसीईआरटी आधारित कंटेंट डाला है साथियों, दिल को सुकून मिलता है बनाते हुए भी और आपको पढ़ते हुए भी सुकून मिलेगा। एक बार आप विजिट करके तो देखना प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक खतरनाक और बड़े शाम को मैराथन सेशन में। जय हिंद, जय भारत।